गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही हैं और आगे आने वाले समय में लॉकडाउन भी बढ़ ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी क्लासेस हम लोगों यहाँ यूट्यूब चैनल पे ही कंटिन्यू रखेंगे। यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है? चलिए, आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 12 में हम लोग मैक्सिमम रेडियन के कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आगे चल के हम लोग रेडियन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, तो आज हम लोग पूरी क्लास रेडियन के कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे। पहले दो क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है? आइए पहले दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन साइन एक्स बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एंगल है 2x और 2x से हमको पहुँचना है कहाँ पे, x बाई 4 पर, ठीक है? कैसे पहुँचेंगे वही सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब जो हमारा एंगल हो जाता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई, लेकिन अभी हमारा काम नहीं बना है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टू टू तो टू है ही है, इस साइन एक्स को हमें इस साइन एक्स को तब तक ब्रेक करना है जब तक कि हम एक्स बाई फोर पे ना पहुँच जाए, ठीक है? अब एक्स को अगर मैं हाफ करूँगा तो एक्स बाई टू होगा, ठीक है? और नीचे साइन एक्स बाई फोर, क्लियर है, ठीक है? इसी तरीके से अभी भी हमारा काम नहीं बना है, अभी भी हम साइन एक्स बाई टू पर ही पहुँचे, ठीक है? इसका मतलब भी साइन एक्स बाई टू को फिर हम ब्रेक करेंगे। एक्स बाई टू का हाफ क्या होता है, एक्स बाई फोर, ठीक है? तो ये वाला टू तो है ही, और साइन एक्स बाई टू को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, टू साइन एक्स बाई फोर कॉस एक्स बाई फोर, ठीक है? और कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स तो है ही है, ठीक है? तो ये वाला साइन एक्स बाई फोर, ये वाला साइन एक्स बाई फोर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 कॉस एक्स बाई फोर कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है? लेकिन अगर एग्ज़ाम में हम इतना करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसका हम लोग अब आगे चल के कॉन्सेप्ट भी देखते हैं और फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको करना बता दूंगा, ठीक है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं अब इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? आज के बाद से कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर साइन साइन के साथ 2x एंगल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, साइन के साथ साथ 2x एंगल लगा हुआ है, ठीक है? तो और उसको मुझे x पे लाना है, ठीक है? तो कभी भी 2x से अगर हम x पर आएंगे, ठीक है, तो केवल जो बचेगा वो आपको ध्यान रखना है। कभी भी 2x x पर आएंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x, ठीक है? x से x बाई टू पर आएंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x बाई टू, मतलब जिस पर आना होता है उसी का cos का दुगना बचता है, ठीक है? x बाई टू से x बाई फोर पर आएंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x बाई फोर, x बाई फोर से x बाई एट पर आएंगे, मतलब आधा होता जा रहा है, ठीक है? तो क्या बचेगा, 2 cos x बाई एट, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करने जा रहे हैं, मतलब इस ट्रिक से देखने जा रहे हैं, ठीक है? आप देखिए, हमें 2x से x बाई फोर तक आना है, ठीक है? जब 2x से x बाई फोर तक आना है तो 2x से x बाई फोर पर सीधे नहीं आ सकते, ठीक है? तो अगर सीधे नहीं आ सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। इसका मतलब पहले मैं 2x का आधा करूँगा, x आएगा, फिर x का आधा करूँगा, x बाई टू आएगा, फिर x बाई टू का आधा करूँगा तो x बाई फोर आएगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। आप देखिए, यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x का आधा, 2x का आधा x, तो यहाँ 2 cos x आ गया। अब x का जब आधा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x बाय टू, फिर x बाय टू का आधा करेंगे तो 2 cos x बाई फोर, वही चीज़ मैंने यहाँ बताई थी आपको, ठीक है? फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको नीचे वाले टर्म को अब भूल जाना, बस नीचे वाले टर्म में आपको ये देखना है कि हमें 2x से x बाई फोर पर आना है, ठीक है? तो 2x से पहले आधा करोगे x होगा तो 2 cos x, x से आधा करोगे तो x बाई टू होगा तो 2 cos x बाई टू, x बाई टू से आधा करोगे तो x बाई फोर तो 2 cos x बाई फोर, ठीक है? तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 cos x cos x बाई टू और cos x बाई फोर, क्लियर है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है।
देखिए कि यहाँ पे हमें x से कहाँ जाना है, x बाई 16 पे आना है, ठीक है। तो x से पहले x बाई 2 पे आएंगे, तो इसीलिए क्या बचा, 2 cos x बाई 2, ठीक है। x बाई 2 से x बाई 4 पर जाएंगे, क्या बचा, 2 cos x बाई 4, नीचे वाला भूल जाइए, ठीक है। x बाई 4 से x बाई 8 पे आएंगे तो 2 cos x बाई 8, x बाई 8 से x बाई 16 पे आएंगे तो 2 cos x बाई 16, तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, cos x बाई 2, cos x बाई 4, cos x बाई 8, cos x बाई 16। आप देखिए अभी इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना कितना आसान हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ने आपको पहले ही बताया था कि आज की क्लास जो होगी वो रेडियन के ऊपर होगी, तो आज हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन एंगल की यूनिट होती है, कोण जो होता है दो भुजाओं के बीच का, तो जो दो भुजाओं के बीच जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं, ठीक है। तो जो कोण होता है उसकी दो यूनिट होती है, एक होती है डिग्री, एक होती है रेडियन, ठीक है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। डिग्री को ये एक छोटे से जीरो से लिखते हैं, रेडियन को एक छोटे से सी से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखना है हमें अगर 60 डिग्री, तो 60 लिखा उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो लगा दिया। कहीं पर हमें लिखना है पाई रेडियन, तो पाई लिखा उसके ऊपर एक छोटा सा सी लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। तो एंगल की दो यूनिट होती है, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। रेडियन को छोटे जीरो से लिखते हैं और डिग्री को छोटे जीरो से लिखते हैं और रेडियन को छोटे सी से लिखते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे रेडियन और डिग्री की हमें कन्वर्जन देखना है, अगर रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन देखना है तो इसके लिए आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए क्या, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर पाई रेडियन पाई मतलब पाई से क्या दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात पहली आपको ध्यान रखनी, क्या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, एक डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, ये जो छोटा सा कॉमा है इसको क्या पढ़ा जाता है, मिनट, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह एक मिनट बराबर 60 सेकंड, ये जो दो कॉमा है इनको क्या पढ़ा जाता है, सेकंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। दूसरा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। तीसरा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और अगला 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगला यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड, मतलब कि 1 रेडियन को हमको डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए आइए कहते हैं, ठीक है। अब 1 रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब रेडियन से हमें क्या जाना है, डिग्री में जाना है। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो अभी अभी मैंने बताया था क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे अब अगली बात देखते हैं, इसके अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा क्या, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। लेकिन अभी हमारा काम नहीं है बना है, क्यों नहीं बना है, क्योंकि हमको तो डिग्री मिनट और सेकेंड में आंसर चाहिए, ठीक है। तो अभी इस पाई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 22/7 लिख सकता हूँ, तो 7 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 90/11 आएगा, इंटू कितना, 7, ठीक है। और 9 7 होता है 63, तो 630/630 अपॉन 11 डिग्री आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये जो 1 रेडियन का कन्वर्जन हुआ है वो क्या डिग्री में हुआ है, और डिग्री में उसकी वैल्यू क्या आई है, 630 डिग्री अपॉन 11, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 11 है इसको 630 में क्या करूँगा, इससे डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 630 में 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, ठीक है। बचा कितना, 8, 0 उतारा, 11 7 77, बचा कितना, 3, ठीक है। तो जो यहाँ कोशेंट में आया, कोशेंट मतलब भागफल, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो 57 डिग्री यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा जो 3 डिग्री बचा उसको हमने मिनट में बदल दिया, कैसे बदला, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट,
तो 3 डिग्री बराबर 180 मिनट। ठीक है, तो ये जो 180 मिनट आया इसको फिर से मैं किससे डिवाइड करूँगा, फिर से 11 से डिवाइड करूँगा, करूँगा तो क्या होगा, 11 एक कम 11, ठीक है, 18 में से 11 गया 7 बचा 0, 11 छंग 66, 70 में से 66 गया 4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया भागफल है उसको यहाँ लिख दूँ, मतलब 16 मिनट यहाँ लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ पे भी नीचे भी कुछ बचा, कितना मिनट बचा है 4 मिनट। ठीक है, अभी इस 4 मिनट को किस में बदल दूँगा, सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड बराबर, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 4 मिनट बराबर 240 सेकंड। इस 240 सेकंड को फिर मैं 11 से डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा तो क्या होगा, 11 दो ना 22, 2 बचा 0 उतारे, 11 कम 11 कितना बचा 9। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकंड। अगर 21 सेकंड भी आपने लिखा है तब भी वो कोई दिक्कत। मिनट और सेकंड में क्या होती है, क्या होती है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकंड। और कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है, क्या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिख लेना है, क्या फार्मूला लिख लेना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/π। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख देनी है, रखेंगे काटे पिटेंगे तो ये 630/11 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 630/11 है बार बार इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 57 डिग्री आएगा, उसके बाद जब यहाँ 57 डिग्री आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ डिग्री बचा हुआ उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 3 डिग्री बराबर 100, फिर 180 मिनट को फिर 11 से भाग देंगे 16 मिनट आ जाएगा, फिर ये जो 4 मिनट है इसको सेकंड बदल देंगे तो 4 मिनट बराबर 240 सेकंड, फिर भाग देंगे तो 1 सही 9/11, तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकंड। क्लियर है, ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, क्या 5/3 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, ठीक है, देखिए 5/3 तो 5/3 यही है, अभी अभी मैंने बताया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ बस सीधे 180 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 3 छंग 18 60 डिग्री आएगा, 60 × 5 कितना हो गया 300 डिग्री, कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 4/3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4/15 तो है ही है। ठीक है, पाई रेडियन की जगह क्या रख देंगे, 180, ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए इसके ऊपर, कितने आसान है आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा 1/6 रेडियन, अब यहाँ देखिए दिक्कत ये हो गई है, यहाँ तो पाई रेडियन था, यहाँ भी पाई रेडियन था, सीधे हम 180 डिग्री रख रहे थे, लेकिन यहाँ केवल क्या है, रेडियन है, तो कभी भी पाई रेडियन ना लिखा रहे, रेडियन लिखा रहे, तो उसको 1 रेडियन पढ़ा करिए, कितना रेडियन पढ़ेंगे, 1 रेडियन। तो बताइए, मैंने आपको बताया था क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, अगर पाई रेडियन होता तो 180 डिग्री रख देते, क्योंकि केवल यहाँ रेडियन है तो मैं क्या रखूँगा, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई रख दूँगा। ठीक है, तो जब 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री बटे पाई में यहाँ पे रखूँ तो 1/6 × 180 डिग्री बटे पाई हो गया। ठीक है, काटोगे तो 30 डिग्री/π, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या आ गया 15/11। ठीक है, और 15 × 7 = 105, तो 105/11 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या कि पाई रेडियन है तो 180 डिग्री रखना है, 1 रेडियन है तो 180/π रखना है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में जो 1/6 रेडियन था इसको हमें डिग्री में कैल नहीं कन्वर्ट करना था। ठीक है, अगर भाई डिग्री में कन्वर्ट करना होता तब तो आंसर मेरा आ चुका है 105/11 डिग्री, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में, तब भी हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 105 बटे ये जो 11 डिग्री है, ठीक है, यहाँ देखिए 105 बटे जो 11 डिग्री है, आइए इसको कन्वर्ट कर दें। क्या करेंगे, अभी अभी मैंने सिखाया था कि 105 को पहले 11 से भाग दीजिए, 11 × 9 99, 105 में से 9 गया कितना बचा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 105 में से 9 गया 6 बचा, तो यहाँ जो आ गया वो क्या आ गया है, वो आ चुका है हमारा 9 डिग्री, तो आ ही चुका है। क्लियर है, क्या चुका है, अब इसको किस में बदल लीजिए, मिनट में।
ठीक है, रिमेनिंग वाले को हमें हमेशा मिनट में बदलना है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 6 डिग्री में 360 मिनट, 360 मिनट को फिर 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 3 बचा 0, 11 दूना 22, ठीक है, 8 मिनट, ठीक है, तो 32 मिनट आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो रिमेनिंग में 8 मिनट बचा, इसको सेकंड बदल लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में 480 सेकंड, 480 सेकंड को फिर 11 से भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, ठीक है, 4 बचा 0, 11 तिया 33, 7 बचा तो 43, सही, 7 बटे 11 आ गया। तो कुल मिला के फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 9 डिग्री 32 मिनट 43, सही, 7 बटे 11 सेकेंड। क्लियर है सबको, ठीक है, कुछ कहना नहीं है, मैंने वो देखा नहीं था क्वेश्चन, मैंने सोचा कि डिग्री में बदलना है, तो इसलिए वहाँ पे 105/11 डिग्री हो गया, लेकिन इसको मिनट और सेकंड में बदलना है, तो करना आसान है, बस 11 से डिवाइड करना है। पहले डिग्री को 11 से डिवाइड करिए, तो जो भागफल में आए वो लिख दीजिए, जो शेषफल में बचे उसको मिनट बदल लीजिए, फिर मिनट को 11 से डिवाइड करिए, जो भागफल में आए क्वेश्चेंट में उसको लिख दीजिए, जो रिमाइंडर में उसको सेकंड बदल लीजिए, फिर सेकंड को डिवाइड कर दीजिए 11 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन बदलिए, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग रेडियन से डिग्री में जा रहे थे, या रेडियन से डिग्री मिनट और सेकंड में जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डिग्री से रेडियन में हमको जाना है, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में जाना भी कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन बदलिए, ठीक है। तो देखिए, केवल अगर यहाँ 11 डिग्री होता तब तो इसको कन्वर्ट करना आसान था, लेकिन यहाँ 11 डिग्री 15 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 15 मिनट है इसको भी पहले डिग्री में ले आएंगे, और मिनट को डिग्री में कैसे लाया जाता है, 60 हो गया, कितना हो गया, 1/4, ठीक है। तो 11 सही 1/4 मतलब कितना गया, 11 चौक 44, 45/4 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 45/4 डिग्री आ गया, इसका मतलब पूरी चीज़ हमारी डिग्री में आ चुकी, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, क्या बताया था, कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बताया था कि नहीं बताया था भाई, शुरुआत में बताया था 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। तो यहाँ पे जो अकेला डिग्री लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री, तो 45/4 तो है ये, ठीक है, और डिग्री जहाँ क्या रख देंगे, पाई बटे 180, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बाय जाएगा, ठीक है, और 4 चौक 16 पाई बाई 16 रेडियन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में तो और बातें हो गई हैं, क्या डिग्री भी है, मिनट भी और सेकंड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिग्री है उसको डिग्री रहने दीजिए, और मिनट और सेकंड को भी हम किस में बदल लेंगे, पहले डिग्री में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 13 डिग्री तो है ये, इसको डिग्री में बदलेंगे तो क्या होगा, 7/60 डिग्री होगा। हमें कहा था मिनट को डिग्री में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 60 से, ठीक है। इसी तरह सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए हमेशा किससे भाग देंगे, 3600 से, ठीक है। तो 13 डिग्री तो है ये, 7/60 डिग्री भी है, इसको भाग देंगे तो 0 से 0 कटा, 3 एक कम 3, यहाँ 120 डिग्री आ गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे 120 आएगा, ठीक है, 13 × 120, यहाँ 60, यहाँ क्या आएगा, 7 × 2 प्लस क्या हो गया, 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कितना आ गया, 1575/120 डिग्री आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये जो पूरी चीज़ है हमारी, ये जो पूरी चीज़ है जो डिग्री मिनट और सेकंड में थी, अभी कैल किस में आई है, डिग्री में, जबकि हमें आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो यहाँ पे जहाँ पे डिग्री है वहाँ रख दिया पाई बटे 180 रख दिया, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किया 15 से करेंगे, 15 × 8 120, ठीक है, 15 × 1 = 15, 0 × 15 = 75, फिर इसको काटेंगे, 15 × 7 = 105, और इसको 15 × 1 = 15 × 15 = 30, ठीक है। तो 7 π/96 रेडियन, पाई रेडियन इसका आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, कह रहा है 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड को रेडियन बदलिए, पिछले क्वेश्चन की तरह बस कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे है, ठीक है। तो 63 डिग्री तो है ये, मिनट है, मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, सेकंड को डिग्री में ले जाने के लिए 3600 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 63 डिग्री तो है ये 14/60 हो गया, ये 70/1200 हो गया, कैंसिल आउट करने पर 3 से, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1200 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 × 1200 प्लस यहाँ पे 1260 से भाग देंगे, 20 आएगा, 14 × 20 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 17 डिग्री हो गया, क्लियर है, ठीक है। 1200 तो है ये, इसको
मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इतना आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आई है हमारी किस में आई है, डिग्री में आई, लेकिन हमें तो किस में चाहिए, रेडियन में। तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180। तो मैं पाई बटे 180 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मैंने 9 से काटा, किससे काटा, 9 से। जब 9 से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया इसको और इसको, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर मैंने इसको किससे काटा, 3 से काटा, ठीक है। जब 3 से डिवाइड किया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 2811/8000 पाई रेडियन, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसके, आर्क से रिलेटेड, ठीक है। आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एंगल फाउंड बाय इन डिग्री, ठीक है। इसको हिंदी में मैं पढ़ सकता हूँ, एक लोलक जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है अपनी चाल के दौरान 16 सेंटीमीटर का एक चाप बनाता है, उसके द्वारा बनाया गया कोण डिग्री में क्या होगा, किसमें, डिग्री में पूछा गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आर्क होता क्या है, ठीक है। देखिए जब भी किसी पेंडुलम को एक पॉइंट से बांध के, एक पॉइंट से अगर बांध दिया जाए, उस पॉइंट से बांध के उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। जब पॉइंट से बांध के छोड़ दिया जाए तो वो क्या करने लगता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, मतलब सरल आवर्त गति करने लगता है, ठीक है। और जब ये सरल आवर्त गति करने लगता है तो जिस पॉइंट से ये बंधा होता है वहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है। अब भाई किसी चीज़ से बंधा हुआ है, किसी रस्सी से बंधा हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी रस्सी की लंबाई होती वो इसकी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर पेंडुलम मैंने यहाँ से छोड़ा और यहाँ तक गया तो ये कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा है, तो जो ये दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, हम आर्क कहते हैं या फिर चाप कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी मैं किसी पेंडुलम को किसी एक पॉइंट से बांध के अगर छोड़ता हूँ तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, ठीक है। तो वो उस पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल बनाता है तो उसको हमने थीटा कह दिया। अब जिस रस्सी से वो बंधा होता है उसको मैंने क्या कह दिया, उसकी रेडियस कह दी, और वो जो भी लंबाई दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, आर्क, ठीक है। तो ये जो एंगल रेडियस और आर्क में एक रिलेशन आता है, क्या आता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, या एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, या फिर थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आती है हमेशा किस में आती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या फिर थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। कह रहा है एक लोलक जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, अगर लोलक की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जिस रस्सी से बंधा हुआ है वो 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर बराबर कितना है, 50 है, क्लियर है, ठीक है। कह रहा है चाल के दौरान 16 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है, इसका मतलब एल भी हमें दिया है, ठीक है। जब एल हमें दिया गया है, आर हमें दिया गया, तो हम थीटा नहीं निकाल सकते, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ एल बराबर 16, आर बराबर 50, तो थीटा का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस मतलब एल अपॉन आर, तो 16 बटे 50 मतलब 8 बटे 25 रेडियन हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे आंसर रेडियन में नहीं पूछा गया, हमसे आंसर किस में पूछा गया, डिग्री में पूछा गया, ठीक है। तो अगर मुझसे आंसर डिग्री में पूछा गया तो 8 बटे 25 तो है ही है, और मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है। तो 8 बटे 25 तो ही है और 180 तो है ये, पाई की जगह क्या रख दिया, 22/7, ठीक है। इन सबको जब मैं कैंसिल आउट करूँगा, ठीक है, इसको मैंने काटा, किससे काटा, यहाँ पे 4 से काट दिया इसको और इसको, ठीक है। तो 2 से काट दिया, ठीक है, 2 4 8 2 1 2, ठीक है। फिर इसको 5 से काट दिया तो 36/5 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008/55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे सर्कल का आर्क बतानी है जो कि सेंटर पर 15 डिग्री का
वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, फॉर्मूला वही लगने वाला है क्या, थीटा बराबर एल अपॉन आर। ठीक है, इस बार थीटा हमको डिग्री में दिया गया है, जबकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि थीटा हमें किस में चाहिए होता है, रेडियन में। ठीक है, तो अगर थीटा डिग्री में है तो 15 डिग्री को रेडियन बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, 15 डिग्री आपको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। ठीक है, इसको बराबर एल अपॉन आर हो गया। आर आपको कितना दिया गया, 42 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 15 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और यहाँ 180 एल बटे 42 हो गया। क्लियर है? ठीक है, जब इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 15 को काटा, ठीक है 22/7 तो है ही है, और इसको काटेंगे 12 आएगा, 12 × 7 = 84, 22/84 बराबर एल बटे 42, 42 × 84 और 22/2 कितना होता है 11, तो एल बराबर कितना आ गया 11। कुल मिला के इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, पहली बात कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या या एंगल बराबर आर अपॉन रेडियस या थीटा बराबर एल अपॉन आर, जहाँ पे थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, उसकी लंबाई, ठीक है मतलब रस्सी की लंबाई, ठीक है, या और आर क्या होता है, उसके द्वारा चली गई दूरी। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अ व्हील रोटेट्स 3.5 टाइम्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, इन वॉट टाइम द व्हील रोटेट्स 55 रेडियन ऑफ एंगल। ठीक है, एक पहिया एक सेकेंड में 3.5 बार घूमता है तो 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगाएगा। ठीक है भाई, पहिया तो सबने ही देखा होगा। ठीक है, अच्छा बताइए, जब पहिया एक बार घूमता है, जब घर में गाड़ी वाड़ी साइकिल वाली किल पड़ी होगी, स्टैंड पे लगा के पहिया घुमाएंगे तो पूरा वो जब एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर अगर पाई रेडियन होता है तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होगा। इसका मतलब पहिया एक बार घूमने में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन का। अगर एक बार घूमने में 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा तो 3.5 बार घूमने में 3.5 × 2 पाई रेडियन मतलब 7 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू होती 22/7, 7 × 7 कटा कितना आ गया, 22 रेडियन आ गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, 3.5 बार पहिया घूमने में टाइम कितना लगा रहा था, 1 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3.5 बार घूमने में अगर 1 सेकंड लगा रहा था तो 1 सेकंड में 22 रेडियन घूमा होगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 22 रेडियन हमारा पहिया घूमा है तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ क्या, 22 रेडियन बराबर लिख सकता हूँ 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 55 रेडियन बराबर क्या होगा, 1/22 × 55, इसका मतलब 11/55 गया 5/2 सेकंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है, क्या देखना है कि पहली बार तो पहिया एक बार जब घूमता तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो एक बार में 2 पाई रेडियन तो 3.5 बार में 7 पाई रेडियन, और 7 पाई रेडियन मतलब 22 रेडियन, और 3.5 बार घूमने में कितना टाइम ले रहा था, 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड बराबर 22 रेडियन या 22 रेडियन बराबर 1 सेकंड, तो 55 रेडियन बराबर 5/2 सेकंड। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1/2 रेडियन एंड 1/3 रेडियन, फाइंड थर्ड एंगल इन डिग्री। ठीक है, मतलब किसी त्रिभुज के दो कोण दिए गए, डिग्री में नहीं दिए गए, रेडियन में दिए गए। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो कोण दिए गए और तीसरा कोण आपको डिग्री में बताना है, रेडियन में नहीं बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, या सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको दो एंगल दिए गए तो उन दोनों एंगल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। पहले जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ रेडियन में आएगा, उस रेडियन को डिग्री में बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद 180 से माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोनों एंगल को जोड़ते हैं, तो 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 × 2 = 5, 5/6 रेडियन आएगा। ठीक है, अब इस 5/6 रेडियन को आइए डिग्री में बदलते हैं। कैसे, 5/6 तो है ये, रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री,
तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ये देखिए 180 बटे पाई लिख दिए, ठीक है। 5/6 तो आइए, 180 तो आइए, पाई की जगह क्या रख सकते हैं 22/60, ठीक है। इसको काटेंगे 6 से तो 30 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 15 × 7 = 105, 1050/22 आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 525/11 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और 525 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 × 44, ठीक है, 8 बचेगा, ये 85 हो गया 85, 11 × 7 = 77, ठीक है, 8 बचा तो 47 से ही 8/11 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो एंगल्स का सम आ गया। अगर दो एंगल्स का सम आ गया और तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो तीसरा एंगल निकालने क्या करेंगे, 180 में से 47 से ही 8/11 क्या कर देंगे, माइनस। इसको माइनस करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेवन को ब्रेक कर लीजिए, -47 − 8/11, क्योंकि माइनस आगे लिखा हुआ, इसका मतलब 47 + 8/11 को जब ब्रेक करेंगे तो 47 का साथ भी माइनस आएगा और 8/11 के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 179 में से 47 माइनस कर दिया, 9 में से 7 गया 2, 17 में से 4 गया 13, ठीक है, 1 में से 8/11 माइनस के 11 में 11, 11 में से 8 गया 3/11, ठीक है। तो 132 + 3/11 कितना हो गया, 132 सही 3/11, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। पढ़िएगा, इससे रिलेटेड नोट्स बनाइएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, किताब से किसी भी बुक से सॉल्व करिए, हर एक बुक से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।